श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सिंहस्थ लिखित सत्यानुसरण वाणी। तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो और आदर्श रूपी वृक्ष को जकड़कर पकड़ो, सिद्ध काम होंगे। यदि तुम्हें आदर्श की बात बोलने में आनंद, उनके चिंतन में आनंद, उनका हुक्म पाने पर आनंद, उनके प्यार में आनंद, अनादर में भी आनंद होता है, उनके नाम पर हृदय उच्छल हो उठता है, मैं निश्चय कहता हूँ अपने उन्नयन के लिए और ना सोचो। सद्गुरु के शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, मैं निश्चय कहता हूँ तुम्हें फिर अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तुम भक्ति रूपी जल को त्याग कर आसक्ति रूपी रेत में बहुत दूर ना जाओ। दुख रूपी सूर्यताप से रेत के गर्म होने पर वापस आना मुश्किल होगा। थोड़ा उत्तप्त होते होते यदि आपस नहीं आ सके तो सूख कर मरना होगा। भावमुखी रहने की चेष्टा करो, पतित नहीं होगे, वरं अग्रसर होते रहोगे। गुरुमुखी बनने की चेष्टा करो और मन का अनुसरण ना करो। उन्नति तुम्हारा किसी भी तरह त्याग नहीं करेगी। विवेक को अवलंबन करो और मन का अनुसरण ना करो। उदारता तुम्हारा कभी भी त्याग नहीं करेगी। सत्य का आश्रय करो और असत्य का अनुगमन ना करो। शांति तुम्हें किसी भी तरह छोड़कर नहीं रहेगी। दीनता को अंतर में स्थान दो। अहंकार तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। जो त्यागना पड़ेगा उसकी ओर आकृष्ट या आसक्त नहीं हो जाओ, दुख से रक्षा पाओगे। शांति शांति शांति। जय गुरु।